आगे उधर उधर हो जाओ। जयपुर नई दिल्ली बहुत ही चाहिए सी दिशा पार्लियामेंट में। मेवात इलाके की राजस्थान की कामा विधानसभा से जब से सीएम मुख्तियार चुनावी मैदान में आए हैं तभी से मंत्री जायरा के खिलाफ लगातार वो डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं कैथवाड़ा में और कैथवाड़ा में किस तरीके की फैन फॉलोइंग लगातार सीएम मुख्तियार की बनती जा रही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कैथवाड़ा की यूथ है जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं लगातार सेल्फी लेने के चक्कर में भीड़ यहाँ पर जुटाए हुए हैं। मुख्तियार से बात करेंगे। अच्छा मुख्तियार जी ये बताएं कि जिस तरीके की लगातार फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ती जा रही है जब से आप चुनावी मैदान में उतरे हैं जनता का प्यार को किस तरीके से देखते हैं? देखिए एक बात तो ये मेरे फैन नहीं है मेरे भाई हैं जी और ये तमाम वो नौजवान हैं जो तब्दीली देखना चाहते हैं बदलाव देखना चाहते हैं और एक अच्छे नेता का काम ये है कि वो और इन नौजवानों में से नेता तैयार करे ना कि फॉलोअर बनाए। एक अंग्रेजी राइटर ने लिखा अ गुड लीडर ऑलवेज लुक्स टू क्रिएट मोर लीडर एंड अ बैड लीडर ऑलवेज लुक्स टू क्रिएट फॉलोअर्स। एक अच्छा नेता हमेशा कोशिश करता है कि वो और अच्छे नेता तैयार करे और एक बुरा नेता हमेशा कोशिश करता है कि वो फॉलोअर बनाए। इसलिए ये मेरे फॉलोअर नहीं है, मैं एक अच्छा नेता बनना चाहता हूँ और साबित करना चाहता हूँ खुद को। तो ये सब भाई हैं मेरे और मेरे साथी हैं जो इस संघर्ष में मेरी ताकत हैं। मतलब फैन फॉलोइंग से ज्यादा आप इनके भाई भाईचारे का जो ये इस लड़ाई के हिस्सेदार हैं, साझेदार हैं। अच्छा। ये मुख्तियार के इक्वल पार्टनर्स हैं। ये हम सबसे मिलकर इलाका बनता है। एक हिस्सेदार ये है, इसके एक हिस्सेदार मैं हूँ। इन सब ने एक जिम्मेदारी मुझे दी हुई है कि लीडरशिप में एक व्यक्ति को चुनकर आगे बढ़ाना होता है और फिर सारे साथी बैठकर उस पर डिस्कशन भी करते हैं। मैं जब विधायक बनूंगा तो मैं इन सबसे मशवरे भी लूंगा, इनकी बात सुनकर फिर आगे उसको बढ़ाने का। अच्छा आपको पता है कि जो कामा विधानसभा या फिर यूं कहें कि पूरा मेवात इलाका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं 90% लोग अशिक्षित हैं। तो किस तरीके से इनको शिक्षित बनाओगे, कैसे इनको आगे लेकर आओगे, किस तरीके का ट्रैक आप लोग अपनाना चाहते हैं? सबसे पहला काम तो यह है तब्दीली का, जो सबसे पहला काम है जी। तब जब तक आप लोगों को उभारोगे नहीं, जब तक लोगों को आप मोटिवेट नहीं करोगे उन तमाम मुश्किलों से निकलने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत क्या है? मोटिवेशन है जो इंसान को खुद को अंदर से ताकत देता है। जब लोगों को मोटिवेट करेंगे, उभारेंगे लोगों को इस बात के लिए कि नहीं आपको अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन देनी है, तालीम देनी है, तब अपने आप से एक बड़ा बूस्ट मिलेगा इस ताकत को, आवाज को भी बूस्ट मिलेगा। फिर हम मिलकर सब, और मेरी जिम्मेदारी रहेगी सरकारी जो सिस्टम है स्कूलों का उसको बेहतर से बेहतरीन बनाना, और जरूरत पड़ी निजी स्कूलों की, जरूरत पड़ी प्राइवेट कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, सरकार से भी मांग करेंगे मजबूती से, और ऐसे इन्वेस्टर्स को, ऐसे बिजनेसमैनों को जो इस इलाके के हैं उनको भी मोटिवेट करेंगे कि वो इस इलाके में एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें, इस इलाके की तरक्की के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं। अच्छा यही के नेता कहते हैं कि कहना बड़ा आसान है लेकिन जिस बात को कह रहे हैं उतना आसान शिक्षा को सुधारना नहीं है। देखो बात यह है कि यहाँ के जो नेता कहते हैं उनका एक शब्द बता दो, एक मीटिंग बता दो जो उन्होंने एजुकेशन के एजेंडे पे की हो, इलाके के जिम्मेदारान को कभी इकट्ठा करके जमा करके उनसे कहा हो कि ये हालात है और इनको सुधारना है, इलाके के इंटेलेक्चुअल लोगों को, इलाके के बौद्धिक लोगों को जमा कर उनसे मशवरे लेते कि भाई हम इस स्थिति को कैसे बेहतर कर सकते हैं, तब मानते कि उन्होंने प्रयास किया। अब एक आदमी जिसने प्रयास ही कभी पूरे जीवन में नहीं किया, शिक्षा मंत्री होते हुए और ये इलाका राजस्थान और पूरे देश का एजुकेशन में सबसे पिछड़ा इलाका होते हुए एक शब्द, एक सेमिनार शिक्षा पर इस इलाके में नहीं। आप बोल रहे अच्छा एक प्रयास नहीं किया, अगर एक प्रयास नहीं करते तो कई सारे कॉलेज बन गए, कई सारे स्कूल अपग्रेड हो गए। झूठ बोलते हैं सब, ये झूठी बात है, ये कहने से नहीं होता। बताओ कहाँ है कौन सा कॉलेज खुला इस इलाके में? बोले कि सवलाना गांव में है, कंचनीर गांव में है, ऐसे ही कह दिया बस, मान लिया आपने। इस इलाके के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, इलाके के लोग सब जानते हैं, इनको सब पता है कहाँ क्या खुला है। इस इलाके के लोगों को पता है कैसे उनकी 5 साल में जेब कटी है। इस इलाके के लोगों को पता है कि 35 साल उन्होंने किस तरह की जुल्म जाति इस परिवार के से झेली है। अच्छा। तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। बच्चा बच्चा ये जनसैलाब मुख्तियार की आवाज पर उमड़ना ये इस बात की दलील है कि जुल्म झेला है और वो उबाल मार रहा है आज,
आज वो तूफान मार रहा है, जो जो जुल्म के खिलाफ खड़े होने की जो ताकत हिम्मत है, हर आदमी अपने आप को आजाद महसूस कर रहा है, हर आदमी को लगता है, नौजवानों को आज गांवों में घेर घेर कर उनसे पैसे उगाए जा रहे हैं, कल खेड़ा उगा रहा है पैसा, नौजवान उगा रहे हैं जिनसे, नौजवान और इलाके के जिम्मेदार जिनसे पैसे लूटे, खेड़ा बांसोली में कल इस इलाके के एक बड़े नेता को पकड़ के बिठा लिए लोगों ने और कहा 3 लाख दे पहले हमारे, उसके बाद जाने देंगे, पैसा पहले लिए लोगों ने, अपने पैसे जो उन्होंने भ्रष्टाचार में लिए थे उनसे, वो पहले पैसे लिए उसके बाद वहां से छोड़ा। क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा उफान है लोगों में, ऐसे जज्बात हैं लोगों के कि हमारे घर आओ, हमारे गांव घुस के दिखाओ, तब बात करेंगे। अच्छा, कैथोड़ा की जनता में आज सैकड़ों की तादाद में लोग यहां उमड़े हैं, क्या कुछ यानी कि आज किस तरीके की लोग का प्यार यहां मिला है, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में तब्दीली होने वाली या नहीं? 100% तब्दीली देख नहीं रहे लोगों में, किस तरह के जज्बात जुनून है। और जैसे ही आपने सैकड़ों लोग कहा, उधर से पीछे से नौजवान बोल रहा है हजारों लोग थे, तो ये जज्बात हैं उनके कि उनकी बात को इग्नोर कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। पत्रकार भी अगर शब्दों के जाल में फंसाएगा, पत्रकार को भी जवाब देने का काम नहीं, मुझे ऐसा लगता है हजारों से ज्यादा सैकड़ों होता है। हाँ जी, चलो वो तो बात नहीं, हमारे पूरा नाम मैं कह थोड़ा गांव से हूँ, मेरा नाम अख्तर खान है, मैं फिलहाल शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा मानना ये है शिक्षा सभी चीजों का समाधान ही शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके लिए सीए साहब मुख्तार जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा 90% सरपंच साहब ने बोला था, 95% गांव हमारा सीए मुख्तार के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि आपसे पहले क्या हुआ कि हम, मैंने पहले भी आपके इस टीवी चैनल में डीटीवी में इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था कि मतलब किसी के हाल चाल पूछने से कि उसके हाल चाल ठीक नहीं होते, लेकिन अगर मुख्यमंत्री वो हमारी क्या है कि MLA साहब यहाँ आती हाल चाल पूछ, मैंने आपसे कहा किसी के हाल चाल पूछने से किसी के हाल चाल ठीक नहीं होते, लेकिन ये तो लगता है कि कोई पूछता है तो अपना भी इस दुनिया में कोई है। जब वो चुनाव जीतने के बाद 5 साल इस गांव की तरफ मुड़के नहीं देखती हमारी MLA साहब, हम कैसे उसको अपना मान सकते। अब की बार बदलाव हो रहा है, अब की बार बदलाव के साथ एकदम होगा बदलाव। चलिए, ये हमारे साथ में कैथोड़ा गांव की जनता थी, जहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीए मुख्तियार को समर्थन दिया गया है, और साथ ही कहीं ना कहीं इलाके की जनता का कहना ये है कि अब की बार बदलाव होना तय है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या वास्तव में बदलाव होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत TV के साथ।